अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां झाड़ फूक का झांसा देकर दो तांत्रिक एक महिला को अपने साथ ले गए और उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ चलती कार में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात थाटीपुर थाना क्षेत्र के चक्की वाली गली न्यू मेहरा कॉलोनी की है। वारदात के बाद आरोपी उसे शीतला माता मंदिर पर बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। होश में आने पर पीड़िता ने पुलिस और परिजन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। महिला बीमारी का इलाज कराने के लिए तांत्रिकों के जाल में फंस गई। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के मेहरा कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय रागिनी कुछ समय से बीमार चल रही है। डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन दवा असर नहीं कर रही थी, जिस पर उसके परिजन उसे खुरैरी गांव में झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक राहुल जाटव के पास ले गए थे। राहुल और उसका साथी तांत्रिक कालू जाटव उसकी झाड़ फूक कर देते तो वह ठीक हो जाती थी। दो दिन पहले फिर रागिनी की हालत खराब हुई थी, जिस पर तांत्रिक बाबा राहुल उसके घर आकर ही उसकी झाड़ फूक की थी। उसी समय उसने युवती का मोबाइल नंबर ले लिया था। सोमवार शाम को राहुल ने रागिनी को बताया कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसे शीतला माता पर परिक्रमा देने चलना है और वह चक्की वाली गली में उसका इंतजार कर रहे हैं। इसी पर वह चक्की वाली गली पहुंची और यहां पर राहुल और कालू कार लेकर खड़े हुए थे। उसे कार में बैठाते ही वह निकल गए। कार में काफी देर चलने के बाद भी जब मंदिर नहीं आया तो युवती ने मंदिर के बारे में पूछा। इस पर राहुल पीछे की सीट पर पहुंचा और जबरन उसे शराब पिला दी। इसके बाद राहुल ने चलती कार में उसके साथ रेप किया। फिर कालू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान वह रहम की भीख मांगती रही लेकिन वह नहीं पसीजी। घटना के बाद रागिनी बेहोश हो गई और उसे बेहोशी की हालत में कालू व राहुल शीतला माता मंदिर पर छोड़कर भाग गए और उसका मोबाइल भी ले गए। होश आने पर अन्य श्रद्धालुओं से फोन लेकर पीड़िता ने परिजन तथा पुलिस को कॉल किया। मामले का पता चलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। एडिशनल एसपी राजेश दनरौतिया ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर गैंग रेप का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तबीयत खराब रहती है तो उसको जो भगत है वो झाड़ फूक करता था और जो कि खुरैरी मुरार का रहने वाला था, तो इस आधार पर लगातार बीच बीच में वो इलाज कराने के लिए झाड़ फूक के लिए जाती थी और कई बार वो घर भी आता था। इस बार उसका उसने बताया कि वो शीतला माता के दर्शन करने चलते हैं, वहाँ पर वहीं फेर लगाकर वहीं इलाज झाड़ फूक की जाएगी, तो उसको ले गए। उसके साथ एक मित्र था और उनके द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया और फिर जब उसको छोड़ के चले गए तो फिर उसने अपने भाई को फ़ोन करके बुलवाया तो फिर वो थाने आकर उसने रिपोर्ट की। तो फिलहाल थाना थाटीपुर में फरियादी के कहने पर दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत दो व्यक्तियों के खिलाफ रजिस्टर कर लिया गया है। अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, मैं लगातार उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहा हूँ।